कुछ भी नहीं है हमारा, उन लोगों से ना कॉन्टेक्ट है ना कभी किसी ने ऑफर करवाई, और की भी होगी तो हमने इग्नोर की होती है, मतलब शायद ऐसे कह रहे हैं जानबूझ के अपने नंबर बनाने के लिए। तो हमें थिएटर सूट करता है तो हम थिएटर ही करते हैं। अभी मेरे ख्याल में वो टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ, तो मेरे ख्याल में अभी तो हम स्ट्रगल दौर में हैं, तो मेहनत जारी है, देखें इंशाल्लाह मंजिल मिल जाएगी। वो कहते हैं ना मंजिलों को क्या खबर कि रास्तों ने हमसे क्या कुछ छीना। आज जी वो एवरनू में मेरी एकेडमी है, मैं अक्सर वहाँ पर रिहर्सल के लिए जाती हूँ, और मूवी जो थी वो हमारी पिशावर में लगी है, जनान पश्तो फिल्म है, उसकी शूटिंग चल रही थी तब। नहीं 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 नहीं, वहाँ पर मेरी एकेडमी है इसलिए मैं वहाँ जाती हूँ, और आप मेरे पे नज़र रखते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, मैं बाबर बेग, और तुम वेरे अपना यूट्यूब चैनल ए बी एच ई टी वी। नाज़रीन असी अज गुजरांवाला, तो गुजरांवाला साढ़े नाल ने जी दीदार मुल्तानी, और दीदार मुल्तानी असी गल करांगे। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम, की हाल ने, ठीक हो? बहुत अच्छी। अच्छा जी, तो यह दसो कि तुम अजकल कोई फिल्म वगैरह भी कर रहे हो? तुम उत्थे, मैं स्टूडियो देखा, अपनी अकैडमी या ऑफिस बनाया है? हाँ जी, वो एवरनू में मेरी अकैडमी है, मैं अक्सर वहाँ पर रिहर्सल के लिए जाती हूँ, और मूवी जो थी वो हमारी पिशावर में लगी है, जनान पश्तो फिल्म है, उसकी शूटिंग चल रही थी तब। अच्छा ठीक है, तो वो आज तो आप इधर हैं, तो फिर उधर कब जाती हैं? कहाँ पर? तो वो डांस रिहर्सल के लिए ज़्यादातर मैं जाती हूँ, अपना नेक्स्ट प्ले की ना तैयारी करने के लिए भी, की ना डांस रिहर्सल वगैरह जो है ना, वो मेरी वहाँ पर अकेडमी है, तो मैं वहाँ पर जाती होती हूँ। अच्छा, मैं अगले दिन पूछ रहा था, मैंने कहा शायद आपने कोई फिल्म वगैरह शुरू कर ली, तो इसलिए स्टूडियो में दफ्तर लिया है। नहीं 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 नहीं, वहाँ पे मेरी एकेडमी है इसलिए मैं वहाँ जाती हूँ, और आप मेरे पे नज़र रखते हैं। नहीं नहीं, मैं रखता हूँ नज़र, हर लड़की पे नज़र रखता हूँ, मेरा ये काम है नज़र रखना, तो नज़र रखूँगा तो बात करूँगा ना, फिर पता कैसे चलेगा। अच्छा, दूसरा मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि इतनी क्यूट लड़कियाँ स्टेज पे, तो ये टीवी पे क्यों नहीं जाती? मतलब टीवी पे एक लंबी उम्र है, लंबी ज़िंदगी आर्टिस्ट की, तो ऐसा क्यों नहीं होता? ऐसा हो सकता है, असल में हम थिएटर के इदारे से बाहर निकल ही नहीं रहे, खुद ही नहीं निकल रहे, क्योंकि हमें जो यहाँ से हमें पे मिलती है वो टीवी से इतनी नहीं होती। फिर जाहिर सी बात है, भी मैं कहूँ जी मुझे बहुत ज़्यादा ऑफर्स हैं टीवी से, ऐसा कुछ भी नहीं है हमारा, उन लोगों से ना कॉन्टैक्ट है ना कभी किसी ने ऑफ़र करवाई, और की भी होगी तो हमने इग्नोर की होती है, मतलब शायद ऐसे कह रहे हैं जानबूझ के अपने नंबर बनाने के लिए। तो हमें थिएटर सूट करता है तो हम थिएटर ही करते हैं। ठीक है, तो ये मुल्तानी लड़कियाँ जो हैं उन्हें इधर क्यों ज़्यादा इतनी पज़ीराई मिलती है, क्या वजह है इसकी? टैलेंट बहुत है मुल्तानियों में। नहीं, असल में ऐसे हुआ है कि मुल्तान में भी काम करते हैं हम आउटडोर में, जैसे गुजरांवाला हो गया, सहीवाल, रावलपिंडी, फैसलाबाद, लाहौर, तो लाइक करते हैं पब्लिक, जिसकी फ़ैन फॉलोइंग ज़्यादा है, फिर उसको बार बार प्रोड्यूसर कास्ट भी करता है। तो हमारी कोशिश तो ये होती है कि हम सब जगह काम करें, पाकिस्तान के हर कोने में, हर शहर में जाएँ, जो हमारे फ़ैन्स होते हैं, हमारे चाहने वाले होते हैं, वो हम तक नहीं पहुँच सकते, तो हम उनके शहर में खुद ही चले जाते हैं। अच्छा, कितना जब से आप फील्ड में आई हैं, जितनी देर हो गई आपको, इतनी देर में क्या जो आपका टारगेट था वो पूरा हो गया, या अभी बहुत ज़्यादा काम करना चाहती हैं? अभी मेरे ख्याल में वो टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ, तो मेरे ख्याल में अभी तो हम स्ट्रगल दौर में हैं, तो मेहनत जारी है, देखें इंशाल्लाह मंजिल मिल जाएगी। वो कहते हैं ना मंजिलों को क्या खबर कि रास्तों ने हमसे क्या कुछ छीना, तो इंशाल्लाह पहुँच जाएंगे कभी ना कभी। अल्लाह, अगर तो स्ट्रगल है दूजियाँ की बनेगा? नहीं, आपको क्या लगता है कि मैं स्टार बन गई? ऐसा नहीं है, अभी हम स्ट्रगल दौर में हैं। नहीं, हर बंदा कहता है दीदार मुल्तानी स्टार है, आपने ये आज नई बात बता दी है। वो उनका प्यार है, वो मुझे इतनी इज्जत देते हैं, मैं उनकी बहुत ज़्यादा मशहूर हूँ, लेकिन अभी तक मैं खुद को जो समझती हूँ कि मैं स्ट्रगल दौर में हूँ अभी स्ट्रगल दौर में जी, बिल्कुल ऐसे। अच्छा, तो कोई ये जो मूवियाँ बन रही हैं, मतलब आजकल कराची की मूवी नहीं ऑफर हुई? नहीं, ये पंजाबी कोई मूवीज़ बन रही हैं, तो वो हमारे जो एक्टर्स उनमें काम करते हैं, वो कहते हैं कि आप पंजाबी मूवी में आएँ काम करें, लेकिन हमें थिएटर से टाइम नहीं मिलता। मसला ये है कि हम बाहर जा नहीं सकते, हमारे लिए थोड़ा सा मसला है ये कि अभी हमारे थिएटर के जो काम, वो ड्रामे की जो डेट्स होती हैं, वो हमने ऑलरेडी पहले से दी हुई होती है, प्रोड्यूसर को दो दो महीने का शेड्यूल होता है हमारा। तो जब इंशाल्लाह कभी फ्री हुई तो मैं ज़रूर पंजाबी मूवी ज़रूर करूँगी, सीखूँगी जो है आजकल जो चल रही है। कब फ्री होंगी आप? मतलब आपको लगता है कि कभी आप फ्री होंगी? इस तरह तो आप फ्री नहीं होंगी। देखिए जी, अगर मैं अब आपको बता दूँ कि मेरा दो महीने का शेड्यूल नहीं है, तो अगले दो महीने के आगे फिर वो जब ये कंप्लीट हो जाएंगे तो नेक्स्ट दो महीने का शेड्यूल फिर आ जाता है हमारे पास। मुल्तान के अलावा ये जो हमारा पंजाब है, जिधर आप लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, सबसे ज़्यादा कहाँ आपके जो जाने वाले हैं, जो आपके नाम पे टिकट खरीदते हैं, वो कहाँ हैं? सब जगह हैं, लाहौर में हैं, गुजरांवाला भी, सहीवाल, फैसलाबाद, पिंडी, मैं तो जहाँ भी गई हूँ तो मुझे ऑडियंस ने इज्जत और रिस्पेक्ट दी है। मैं ये नहीं कह सकती कि गुजरांवाला में ज़्यादा मिली है या मुझे पिंडी में कम मिली है, लाहौर में कम मिली, मैं तो जहाँ भी जाती हूँ मुझे ऑडियंस बहुत ज़्यादा प्यार और इज्जत देती है। चले, अपने चाहने वालों के नाम कोई पैगाम आप?
यही कि आप लोग सब थिएटर से आया करें, हमारा ड्रामा देखा करें आप लोगों के लिए। हम लोग रातों भर जागते हैं, मेहनतें करते हैं, और आप लोग आए हमें अप्रिशिएट किया करें हमारे काम को, और सब एक्टरों को किया करें। थैंक यू वेरी मच जी। हमारे साथ थी दीदार मुल्तानी। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में मैं फिर हाजिर होऊंगा किसी नई वीडियो के साथ। तब तक इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।